हम इस विशाल ब्रह्मांड में मौजूद इन असंख्य तारों और खगोलीय पिंडों के बीच एक छोटे से नग्न बिंदु के समान है। जन्म, जीवन और मृत्यु का चक्र सिर्फ पृथ्वी की मानव जाति या अन्य प्राणियों तक सीमित नहीं है। इन पिंडों की जीवन यात्रा भी इसी चक्र से होकर गुजरती है। ब्रह्मांड है तो पृथ्वी है, हम हैं, पर क्या हम अकेले हैं? क्या पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी कोई एक्सपायरी डेट है? खगोल भौतिकी यानी एस्ट्रोफिजिक्स एक ऐसा रोचक और महत्वपूर्ण विषय है जिसमें ब्रह्मांड और ग्रहों के अस्तित्व से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलता है, और हमारी इस यात्रा में हम इन्हीं जवाबों को तलाशेंगे। The Indian Institute of Astrophysics भारतीय तारा भौतिकी संस्थान पूर्ण रूप से खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी एवं संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए समर्पित है। मानव प्रजाति ने अपने उत्तर जीविता के लिए तारों का निरीक्षण करना शुरू किया, क्योंकि ये हमें समय और दिशा दोनों बताते हैं। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहे तो आपको दिशा का पता होना चाहिए। दिन के समय सूर्य हमें दिशा दिखाता है और रात में हम ऊपर आकाश में सितारों की ओर देखते हैं, ये पता लगाने के लिए कि हम कहां और कैसे जा रहे हैं। मुख्यतः बहुत समय पहले जब कोई समुद्र के रास्ते सफर कर रहा होता था तब दिशा का पता लगाना कठिन होता था। उस समय लोग सितारों की ओर देखकर दिशा समझते थे, पर आज की बात और है। आज आपको कौन दिशा बताता है? जाहिर है आज GPS ये काम करता है। Of course you use GPS. पर ये काम कैसे करते हैं? उपग्रह के एक समूह में यह आपकी स्थिति को खोज सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि आप कहाँ हैं। लेकिन फिर उपग्रह के लिए आपको अपनी स्थिति बताने के लिए क्वेजर्स की आवश्यकता पड़ती है, जो बहुत दूर होते हैं। क्वेजर्स अत्यंत विशाल काएं और बहुत ही अधिक स्थिति ऐसे आकाशीय पिंड है जो असीम मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इनमें बड़े पैमाने में ब्लैक होल्स पाए जाते हैं और इनका अध्ययन ब्रह्मांड की आरंभिक स्थिति को पता लगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान 50 साल पुराना है। इस संस्थान ने मद्रास वेदशाला के रूप में अपना सफर सन 1870 में शुरू किया था और तब से सूर्य पर कई पर्यवेक्षण किए गए हैं, जिसमें पूर्ण सूर्य ग्रहण का पर्यवेक्षण भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई अद्भुत खोजें हुई, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के जरिए हीलियम की खोज। यही कारण था कि इसमें बहुत रुचि ली गई और भारत के दक्षिणी भाग में एक वेधशाला बनाने के लिए एक समर्पित समिति भी बनाई गई, जिससे कोडाईकनाल का वेधशाला बनाने के लिए चुना गया है। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पृथ्वी के हर प्राणी के रोजमर्रा के जीवन के लिए अति आवश्यक है। सन 1900 के आरंभ से ही यहाँ पर्यवेक्षण शुरू हुआ, जो अभी तक चल रहा है, और यही वजह है कि भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के पास सूर्य की सैकड़ों अति दुर्लभ तस्वीरें मौजूद हैं, जिनको आज डिजिटल किया जा चुका है। इन तस्वीरों को खगोल विज्ञानी सूर्य का दीर्घकालीन बदलाव समझने और सौर मंडल में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करने के लिए उपयोग में लाते हैं। सूर्य का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जीवन इसी पर निर्भर करता है। नाइट टाइम एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करने के लिए तारा भौतिकी विज्ञान संस्थान ने अपनी एक शाखा तमिलनाडु के केवलूर में भी स्थापित की है। सन 1970 में कोडाईकनाल वेधशाला ने भारतीय तारा भौतिकी संस्थान की शुरुआत की, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में बनाया गया। यहाँ पर होने का एक फायदा ये भी है कि हम उत्तर और दक्षिण दोनों की तरफ कवलूर से पर्यवेक्षण कर सकते हैं। इसलिए कवलूर में हमने 2.3 मीटर की एक स्वदेशी टेलीस्कोप का निर्माण किया, जिसे सन 1986 में राष्ट्रीय सुविधा के तौर पर शुरू किया गया। इसके साथ ही हमारे पास 1.3 मीटर की दूरबीन भी है, जिसे 2014 में शुरू किया गया, और 1 मीटर का कालसी टेलीस्कोप भी है,
जिसे 1972 के बाद से शुरू किया गया। यही वजह है कि इस वेधशाला में हम कई चीजों पर जैसे सौर प्रणाली, विभिन्न प्रकार के तारों, आकाश गंगाओं, नोवा, सुपरनोवा आदि का अध्ययन आसानी से कर पाते हैं। इसी तरह छात्रों को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐसे कई तरह के प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान का PhD प्रोग्राम एक पूर्णकालिक शोध कार्यक्रम है, जिसमें छात्र IIA के प्रोफेसर और वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में PhD की उपाधि प्राप्त करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे युवा खगोलविदों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रशिक्षित करना है जो ऐसे खगोल विज्ञान संबंधी उपकरणों और प्रणालियों का निर्माण करने में सक्षम हो जिनका उपयोग अंतरिक्ष में किया जा सके। IIA की सबसे अच्छी बात यह है कि आप जानते हैं कि वह अगला आदमी किस विषय पर और क्या काम कर रहा है। प्रशासन से जुड़ा कोई मुद्दा है तो हमें पता है कि हमें किससे बात करनी है, तो यहाँ जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। खगोल भौतिकी अनुसंधान का एक विशिष्ट क्षेत्र है, पर इसमें विविधताएं भी बहुत हैं। एक तरफ हमारे साथ ऐसे वैज्ञानिक हैं जो ब्लैक होल्स थ्योरी और सितारों पर अध्ययन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जो अंतरिक्ष विज्ञान और अति विशाल संरचनाओं पर काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जो वहीग्रह या गैर सौर्य ग्रहों और आकाश गंगा पर अध्ययन कर रहे हैं, और यहाँ मेरे जैसे लोग भी हैं जो खगोलीय उपकरणों पर काम करते हैं। So we use fundamental... हम मौलिक भौतिकी का प्रयोग यह जानने के लिए करते हैं कि ब्लैक होल्स के ऑर्बिट्स कहाँ हैं और कैसे भौतिक विज्ञान का प्रयोग कर हम इन ब्लैक होल्स पर हुए पर्यवेक्षणों को समझ सकते हैं। IIA ने मुझे अनुसंधान के लिए बहुत ही बढ़िया वातावरण दिया है जहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। IIA लाइब्रेरी इस IIA का पुस्तकालय दुनिया का सबसे पुराना पर सबसे आधुनिक पुस्तकालय है। यहाँ तक कि हमारे पास 1794 के लिखे कैटलॉग मौजूद है। ज्यादातर हमारा संग्रह खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी से संबंधित है। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान का पुस्तकालय करीब 200 साल पुराना है। इतने वर्षों से लगातार यह पुस्तकालय खगोल विज्ञान संबंधी किताबों, जर्नलों और कैटलॉगों को एकत्रित करता आ रहा है, और तभी आज ये देश में खगोल विज्ञान संबंधी स्रोत सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह होने का दावा करता है। यह पुस्तकालय संस्थान के शिक्षकों, छात्रों और दुनिया भर से यहाँ आने वाले विद्वानों को प्रिंट एवं ऑनलाइन के माध्यम से अपने खगोल विज्ञान के संग्रह का उपयोग करने की स्वतंत्रता देता है। करीब 20,000 किताबें और 78 शीर्षकों के साथ इस पुस्तकालय का संग्रह बहुत विशाल और असाधारण है। इस पुस्तकालय की विशेषता यहाँ उपस्थित खगोल विज्ञान, सैद्धांतिक भौतिकी और खगोल भौतिकी के पर्यवेक्षण और 1794 से कई शोध जर्नल के वॉल्यूम है। और हमें बहुत अच्छी वित्तीय मदद भी मिलती है ताकि हम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हिस्सा ले सकें। मैंने अपनी PhD के दौरान ऐसे करीब 5-6 सम्मेलनों में भागीदारी की है जहां मुझे बहुत से वैज्ञानिकों से मिलने और उनसे सीखने का मौका मिला है। मैंने इन वैज्ञानिकों से सीखा कि शोध कैसे करना है। मैं इसी तरह ब्लैक होल पर अपना शोध जारी रखूंगी और भविष्य में कुछ नया सीखना और नई नई खोज करना चाहूंगी। अपार्ट फ्रॉम द रिसर्च, शोध करने के अलावा आप जानते हैं कि हम सभी काफी जिम्मेदार और प्रतिभावान लोग हैं। हम सुदूर इलाकों में जाकर आउटरीच प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम स्कूलों में जाकर बच्चों को भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, और यहाँ परिसर में बहुत सारे खेलों का आयोजन भी होता है। अपने हॉस्टल में हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं जिसमें हम संगीत का आनंद लेते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और खूब मजे करते हैं। In the early 90s, it was... 90 की शुरुआत में यह बहुत ही दृढ़ता से महसूस किया गया कि हमें एक नई जगह पर नई वेधशाला बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कवलूर के आसपास के गांव में विस्तार से प्रदूषण काफ़ी बढ़ने लगा था। मौसम में बदलाव की वजह से रात में बिना बादलों का आकाश कम ही दिखता था, इसलिए 90 की शुरुआत में हमने हिमालय की तरफ नई जगह तलाशनी शुरू करी
और 90 के मध्य तक आते आते करीब 6 ऐसे दल बन चुके थे जो 6-7 अलग अलग जगहों पर उचित स्थान की तलाश कर रहे थे। और इस तरह से लद्दाख के हानले गांव की पहचान वेधशाला बनाने के लिए की गई। सन 1996 में ये सुनिश्चित किया गया कि हानले एक वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। वायुमंडलीय जल वाष्प की कम मात्रा और यहाँ का बादल रहित आकाश इसे वेधशाला बनाने के लिए दुनिया भर के स्थानों में से सर्वश्रेष्ठ बनाता है। 14,800 फुट में स्थित ये जगह इंफ्रारेड, सब मिलीमीटर और मिलीमीटर तरंगदैर्ध्यों के परीक्षण के लिए उत्कृष्ट मानी जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर कम तापमान, नमी और वातावरण में एरोसोल्स का घनत्व कम है। यहाँ रात गहन होती है और यहाँ वायुमंडलीय जल वाष्प और प्रदूषण भी बहुत कम है, जो खगोलीय पर्यवेक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वेधशाला के पास दो सक्रिय दूरबीन या टेलीस्कोप है, एक 2.01 मीटर वाली इंफ्रारेड हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप और दूसरा हाई एल्टीट्यूड गामा रे टेलीस्कोप हैगर है। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप को बेंगलुरु के सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी क्रिस्ट द्वारा संचालित किया जाता है। Because of the remoteness of दूरवर्ती इलाका होने की वजह से यहाँ कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो अब हम कनेक्ट कैसे करते हैं? हानले काफी ऊंचाई पर बसा हुआ है, जमीन से लगभग 4500 मीटर ऊपर। यहाँ पर सब लोग नहीं पहुँच सकते और ना ही परीक्षण करने के लिए लंबे समय तक यहाँ रह सकते हैं। तो हम कुछ ऐसा करना चाहते थे कि जो पर्यवेक्षक है वो दूर बैठ कर भी हानले में परीक्षण कर सके। ये ऐसा है कि हानले जैसी उत्कृष्ट जगह का निरीक्षण यहाँ बैंगलोर में बैठकर आराम से किया जा सकता है। So, now what is that? ये ऐसा है कि हानले में सभी यंत्रों सहित जो दूरबीन स्थापित की गई है उसको हमने एक भारतीय सैटेलाइट की मदद से यहाँ बैंगलोर के कंप्यूटरों से जोड़ दिया है। तो अब जिस भी वैज्ञानिक को दूरबीन पर काम करने के लिए समय निर्धारित किया जाता है उन्हें हानले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह यहीं बैंगलोर से ही पर्यवेक्षण कर सकते हैं। इस प्रकार से हानले के आकाश में होने वाला कोई भी पर्यवेक्षण यहीं से किया जा सकता है। इतना ही नहीं, हम यहीं से दूरबीन को किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, सारे यंत्रों को यहीं से चला सकते हैं और यहीं से कैमरे के माध्यम से हम कंप्यूटर पर सारा डेटा भी हासिल कर सकते हैं, पूरा फोकस कर सकते हैं। एक खगोल वैज्ञानिक को जो भी काम करना है वो सब यहीं से हो जाता है। तो इस तरह से इस केंद्र की शुरुआत रिमोट ऑपरेशन करने के लिए हुई थी। एक्चुअली केम विद दिस रिमोट ऑपरेशन। यू नो इफ आई वांट टू टॉक अबाउट द वेरियस साइंस दैट इज बीइंग डन विद दिस टेलीस्कोप। अगर इस दूरबीन को बनाने में मैं वैज्ञानिक संरचना की बात करूं, तो आपको बता दूं कि इसे ऐसे बनाया गया है कि हम सौर मंडल में मौजूद किसी भी वस्तु से लेकर बहुत दूर पाए जाने वाले क्वेजार्स और गैलेंटिक स्रोत का भी निरीक्षण कर सकते हैं। एक और क्षेत्र जिसमें HCT बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है वह है टाइम डोमेन एस्ट्रोनॉमी, जिसमें मूल रूप से क्षणिक या अस्थायी ऊर्जा पैदा करने वाले स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। इनमें सबसे दिलचस्प होते हैं सुपरनोवे। सुपरनोवे एक ऐसी घटना है जो एक सितारे की मृत्यु को दर्शाती है। ऐसे समझिए कि एक मनुष्य की तरह तारे भी जन्म लेते हैं और मरते हैं। अब या तो एक तारा बहुत ही शांति से खत्म हो सकता है जैसा कि सूर्य से अपेक्षा की जाती है, या फिर एक विस्फोट के साथ खत्म होते हैं जो एक बहुत ही चमकदार घटना होती है। ऐसा सुपरनोवे के समय होता है। ये सितारे बहुत ही विशाल होते हैं और जब ये मरते हैं तो प्रकाश के रूप में ढेर सारी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप की वजह से सुपरनोवे का अध्ययन काफी सार्थक सिद्ध होता है। HCT की विशेषता यह भी है कि हम इन आकाशीय पिंडों का अध्ययन ज्यादा लंबे समय तक कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमने अपना पर्यवेक्षण उन सुपरनोवे तक ही सीमित रखा है जो हमारे बहुत करीब हैं। अभी हम बहुत दूरस्थ खगोलीय पिंडों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, पर ये सुपरनोवे जो पृथ्वी के करीब हैं इनका अध्ययन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके गहन पर्यवेक्षण से
हम दूर पाए जाने वाले खगोलीय पिंडों को भी आसानी से पहचान सकते हैं और उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। In identifying and understanding the objects which are distant and far away from us. And we have... हमने अंतरिक्ष में भी एक वेधशाला स्थापित की है, क्योंकि जो यूवी किरणें होती है वो ओजोन परत को पार करके धरती तक नहीं पहुंच सकती। तो यदि हमें ऐसे पिंडों का अध्ययन करना है जिनकी तरंग दैर्ध्य धरती तक नहीं पहुंच सकती, तो हमें वायुमंडल से ऊपर जाना होगा। इसलिए हमने इसे स्थापित किया है और ये एस्ट्रोसेट मल्टी वेवलेंथ वेधशाला का हिस्सा है। कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से हमारी इसी संस्था ने यूवी इमेजिंग टेलीस्कोप का भी निर्माण किया है। Professor M.G. Kemenon Laboratory for Space Sciences is only one of its kind in the country. Professor M.G. Kemenon अंतरिक्ष विज्ञान प्रयोगशाला अपने आप में एक अनोखी प्रयोगशाला है, जो अंतरिक्ष में प्रयोग होने वाले उपकरणों के निर्माण की सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है। सन 2000 में हमने सोचा कि क्यों ना एक दूरबीन बनाई जाए जिसे हम अंतरिक्ष में स्थापित कर सकें, और जैसा कि आप अंदर देख सकते हैं कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वह सुविधाएं मौजूद हैं जिनकी आवश्यकता खगोलीय उपकरणों के निर्माण में होती है। फॉर बिल्डिंग एनी स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी इंस्ट्रूमेंट मॉलिक्यूलर कंट्रोल प्रोटोकॉल के तहत प्रयोगशाला में जाने से पहले वैज्ञानिकों को क्लीन रूम सूट पहनना होता है। यहाँ क्लीन रूम फैसिलिटी है जो ISO क्लास 6 के तहत वर्गीकृत है, जहाँ स्ट्रक्चर मेट्रोलॉजी से जुड़े बहुत से काम होते हैं। क्लास 10,000 में वैक्यूम अनशोधन, मॉलिक्यूलर कंटामिनेशन और स्कैटर मेजरमेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। क्लास 1000 वह स्थान है जहाँ बहुत ही संवेदनशील माप यंत्र होते हैं, जैसे प्रोफिलोमीटर और इंटरफेरोमीटर, और सबसे सूक्ष्म है सैंक्टम सैंक्ट्रॉम सुविधा जो क्लास 10 की श्रेणी में आती है, जिसका मतलब है यहाँ 1 क्यूबिक मीटर जगह की वायु में 10 कणों का आकार 0.7 से 5 माइक्रोन तक होता है। यही स्वच्छता का स्तर है जो प्रयोगशाला ने बनाकर रखा है। यह संस्थान कई और संस्थानों जैसे इसरो और AIUB के साथ जुड़कर भी काम करता है। यहाँ सभी दलों के सदस्य आते हैं और मिलकर काम करते हैं, पर मुख्य रूप से मिशन की परिकल्पना और समन्वय IIA द्वारा किया जाता है। इसी के तहत IIA ने एक बेहद जटिल सौर मशीन बनाई जिसका नाम रखा आदित्य। आदित्य का संस्कृत में अर्थ होता है सूर्य। इस मिशन का उद्देश्य मुख्य रूप से सूर्य की गति और ऊर्जा का अध्ययन करना है। यह संस्थान एक अन्य उपकरण का निर्माण भी कर रहा है जो बहुत जटिल है। इसे विजिबल इमिशन लाइन कोनोग्राफ कहा जाता है, जिसका काम सूर्य के चारों ओर प्रकाशित कोरोना का अध्ययन करना है। वर्तमान में IIA ही इसकी डिजाइनिंग, निर्माण और कैलिब्रेशन का काम कर रहा है। यह काम 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से ऑप्टिक्स, जो एक डिटेक्टिव सिस्टम होता है, वह रुक जाएगा और इससे संदूषण प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा। 2005 से आज तक यह प्रणाली 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई, क्योंकि इसका निर्माण अंतरिक्ष के माहौल यानी वैक्यूम में काम करने के हिसाब से किया जा रहा है। जितने भी स्पेस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको वैक्यूम की अवस्था में ही जांचा परखा जाता है, और ये सुनिश्चित किया जाता है कि ये उसी प्रकार यहाँ काम करे जैसे अंतरिक्ष में करना चाहिए। दूरबीनों की मदद के बिना यह कुछ भी संभव होना मुश्किल है। दूरबीनों ने 1608 से एक लंबा रास्ता तय किया है। ये सफर सन 1608 से शुरू हुआ, जब एक उपकरण का आविष्कार दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया गया हो, जिससे लगे कि वो एकदम करीब है, और यह हबल टेलीस्कोप तक पहुंचा, जिसने सितारों को जन्म और मृत्यु का प्रमाण दिया। और आज वैज्ञानिक 30 मीटर के एक टेलीस्कोप पर काम कर रहे हैं, जो पृथ्वी से परे भी जीवन का पता लगाने में सक्षम हो सकता है। करीब 10 साल पहले मैं टेक्सास यूनिवर्सिटी से यहाँ आया, तब पाया कि यहाँ उच्च स्तरीय सुविधाओं की बहुत कमी है, जैसे कि बाहरी देशों में आसानी से मिलती है। हमने बहुत सोचा और फिर हमने पूरे भारत से कई वैज्ञानिकों को एकत्रित किया ये देखने के लिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं।
क्या हम अपनी खुद की मध्यवर्ती दूरबीन बना सकते हैं जो करीब 10 मीटर की होती है, या फिर हम अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में हिस्सा ले सकते हैं जो हमारे लिए एक लंबी छलांग लगाने जैसा होगा। फिलहाल अभी हमारे पास 2 मीटर की दूरबीन है और अब 30 मीटर की दूरबीन बनाना सच में भारत के लिए एक लंबी छलांग लगाने जैसा ही है। Going to 30 meter telescope is like a quantum jump for India. The 30 meter telescope, 30 meter दूरबीन, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि यह एक बहुत बड़ी दूरबीन होती है। इसका प्राथमिक दर्पण ही 30 मीटर व्यास का होता है। अब क्योंकि यह इतना बड़ा है कि इस आकार का एकल दर्पण नहीं मिल सकता, इतने बड़े दर्पण को कई छोटे छोटे दर्पण जोड़कर तैयार किया जाता है। ये करीब 492 छोटे छोटे खंड होते हैं और हर एक खंड षटभुज आकार का एवं 1.42 मीटर बड़ा होता है। इन सभी खंडों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि यह 30 मीटर व्यास के एकल दर्पण की तरह काम करे। यह बहुत ही आवश्यक है कि यह सभी छोटे छोटे खंडों को इतने उत्तम प्रकार से जोड़ा जाए कि यह सभी मिलकर एक दर्पण की तरह काम करे और हमें बहुत ही साफ छवि दिखा सके। साथ मिलकर आज हम ऐसी बहुत सी प्रणालियों पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ खंडों का निर्माण हम स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि यह तकनीक जो भारत के पास है यह बिल्कुल नई तकनीक है, जिसे हम स्ट्रेस मिरर पॉलिशिंग तकनीक कहते हैं। सभी देश इस तकनीक की मांग कर रहे हैं, सब खुद ही करना चाहते हैं। इसलिए परियोजना के तहत ये सोचा गया कि सभी सहयोगी देशों के बीच काम को विभाजित कर देना चाहिए ताकि सब अपना अपना योगदान दे सके। अब भारत में ये करने के लिए कोई कंपनी नहीं थी, इसलिए भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने स्वयं इस पर काम करने का निश्चय किया। आज हम एक ऐसे भवन का निर्माण कर रहे हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक ऑप्टिक स्लैब्स को बनाया जाएगा। यह बहुत ही विशाल होगी, क्रेस्ट कैंपस के करीब 40 किलोमीटर के दायरे में। इंस्पेक्टिंग द ब्लैंक्स, बहुत से काम जैसे दर्पण के सांचों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि वह जरूरी मापदंडों के हिसाब से बने हैं या नहीं, घिसाई और घर्षण का काम, या फिर दर्पण को षटकोण आकार देकर लोहे के सांचे में लगाने का काम, ये सभी प्रक्रियाएं इस भवन में की जा सकेंगी। इस भवन में देश की सबसे अनूठी सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। क्या आपको पता है कि बहुत बड़े ऑप्टिक्स के घर्षण की सुविधा अभी तक देश में नहीं थी? यहाँ 30 मीटर दूरबीन बनाने की परियोजना से भी बड़ी परियोजनाओं को अंजाम दिया जा सकेगा। और सिर्फ खगोल विज्ञान से जुड़े उद्देश्यों को ही नहीं, बल्कि यहाँ हम विभिन्न अंतरिक्ष परियोजनाओं के लिए दर्पण के घर्षण की प्रक्रिया कर सकते हैं। और इसी कारण से उपलब्धता होने पर इसरो ने भी इस सुविधा का उपयोग करने में दिलचस्पी जताई है। You would have realized that आपने महसूस किया होगा कि इस संस्थान की विशेषता ये है कि हम खगोल भौतिकी के सभी क्षेत्रों में अध्ययन करते हैं, और क्योंकि हमने इन वेधशालाओं को बनाया है और लंबे समय से इनका संचालन और रखरखाव कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास सभी प्रकार की संचालन प्रक्रिया हेतु एवं मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस से जुड़ी वेधशाला के निर्माण हेतु विकास एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी बहुत ही अच्छी और अनुभवी टीम मौजूद है। हमारे इस संस्थान से बहुत ही बड़ी संख्या में खगोल भौतिकी के सभी क्षेत्रों से दिग्गज वैज्ञानिक एवं शोधकर्ता जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि यहाँ के छात्रों को संकुचित नहीं बल्कि गहन शोध करने के अवसर मिलते हैं। उन्हें खगोल विज्ञान से जुड़े हर एक विषय एवं खगोलीय उपकरणों के निर्माण का संपूर्ण ज्ञान भी दिया जाता है, और यही भारतीय तारा भौतिकी संस्थान की विशेषता है। इन विशेषताओं को निरंतर सशक्त कर रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जिसने भारतीय तारा भौतिकी संस्थान को दिलाई एक विश्व स्तरीय पहचान। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पूरे करने जा रहा है 50 गौरवशाली वर्ष प्रौद्योगिकी और विज्ञान के द्वारा देश की सेवा करने में। प्रासंगिकता और उत्कृष्टता का ये सफर हमने अकेले नहीं तय किया है, हमारे साथ स्वतंत्र रूप से काम कर रहे सभी संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई है।
अपने निजी क्षेत्रों में गुणवत्ता, फोकस और गति द्वारा आगे बढ़ने में मदद करने के लिए वो अपने लक्ष्य में उत्तीर्ण हुए हैं। मैं इन सभी स्वतंत्र संस्थाओं और इनके वैज्ञानिकों के लिए एक सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हम भविष्य की ओर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आशा है कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का हम सामना कर सकेंगे और नए अवसरों का निर्माण करेंगे और बनाएंगे ऐसा आत्मनिर्भर भारत जिसे गर्व होगा अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार पर।